बीमार इंसान तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन बीमार, इतना ज्यादा बीमार अस्पताल पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। देखिए, अस्पताल की छत से पानी का झरना, और तो और लिफ्ट में भी पानी पानी। अस्पताल है या फाउंटेन, जिधर नजर जाती है बस पानी के फव्वारे दिख जाते हैं। कहने को कोटा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेके लॉन, लेकिन मौसम की पहली बरसात ने ही सरकारी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाली ये बिल्डिंग 2 महीने पहले ही शुरू हुई थी। बारिश में ये इमारत इस तरह से टपक रही है। अरे नहीं नहीं, टपकना जरा कम हो गया, बल्कि यहाँ तो पानी ऐसे बह रहा है मानो यहाँ छत हो ही नहीं। लगता है अस्पताल को बनाने में ईमानदारी की सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। शायद करप्शन के ईंट के गारों से तैयार की गई ये इमारत इसलिए बनाई गई ताकि कोई बड़ा हादसा पेश आए। अस्पताल की बदहाली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। रात में पानी ऐसे ही बहता रहा, सुबह जाकर जब अस्पताल प्रशासन हरकत में आया तो अस्पताल के अधीक्षक ने जिस एजेंसी को बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया था उस एजेंसी को बुलाया गया और बिल्डिंग की छत की जांच करवाई गई। छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक सवाल यही कि आखिरकार जब 30 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनाया गया तो निर्माण में ऐसी क्या लापरवाही हुई, या मटेरियल ही यूज नहीं किया गया था कि अस्पताल की छत से पानी गिर रहा है। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि नाली चोक होने की वजह से पानी आ रहा है, तो ऐसे में सवाल ये भी कि छत से पानी कैसे आ रहा है, क्योंकि नाली का रास्ता तो बाहर से होता है। अगर नाली जाम भी है तो छत पर पानी भर जाएगा, पर छत से पानी नीचे कैसे आ रहा है। इसे लेकर जब राजस्थान तक के रिपोर्टर चेतन गुर्जर जेके लॉन हॉस्पिटल पहुँचे तो लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कोटा संभाग का सबसे बड़ा जेके लॉन अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें झरनों की तरह पानी बह रहा था बारिश में छत से। हम इस वक्त मौजूद हैं जेके लॉन अस्पताल में। नई बिल्डिंग बनी है, करीब 30 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग तैयार हुई थी और करीब 1 से 2 महीने पहले ही इस बिल्डिंग में पूरा जो मरीजों का और जो डॉक्टर्स का बैठने का जो पूरा इंतजाम था वो शुरू किया गया था। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, कल रात को जो बारिश हुई उसके बाद अभी तक भी छत से पानी टपक रहा है। आप देखिए जो लगातार यहाँ सुबह, हालांकि जब वो वीडियो वायरल हुआ इसके बाद पूरी तरह से प्रशासन हरकत में आया और पूरी जो छत थी उसको क्लीन किए। ऊपर UIT के अधिकारी लगे हुए हैं जांचने में। अधीक्षक कह रहे हैं कि हमने जिस एजेंसी को ठेके पे दिया था इस बिल्डिंग को बनाने को, उनको हमने बुलाया है, उनसे पूरे वो जाँच कर रहे हैं, वो रिपोर्ट सौंपेंगे। और आप देखिए जो लिफ्ट थी, लिफ्टों में पूरी तरह पानी भर गया था और ये जो लिफ्ट है ये पूरी तरह से बंद, यहाँ आप देख सकते हैं कि उस समय से अभी तक ये बंद पड़ी हैं। पूरी जो लिफ्टें थी अस्पताल की वो व्यवस्थाएं बंद है, लिफ्ट की व्यवस्थाएं। और ये देखिए शिशु औषध विभाग, शिशु वार्ड है, इस वार्ड में भी पूरी तरह से पानी भर गया था। जो ये आप देखिए ये कोने से यहाँ से पानी इसमें टपक रहा था। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, ये भी उस वक्त यहाँ मौजूद थे। आप उस समय यहाँ मौजूद थे? हाँ, यहाँ ही थे हम। पानी आ रहा था, जब बारिश बरस रही थी बहुत पानी आया इसमें, और यहाँ भी भर गए, नीचे भी, अंदर हम रोटी खा रहे थे, जिसके भी परेशानी आई खाना खा रहे थे हमें। कौन कोई यहाँ किसी को कोई घटना हुई, कोई गिर गया? अरे किसी की थी, एक भाई है, हाँ पैर में लग गई थी उसके, पैर में लग चुकी थी उसके। कहाँ तक पानी था? टेट वहाँ था ही था पानी, वो बाइक खड़ी है जाता ही, यहाँ से वहाँ था ही छत से टपक रहा था। हाँ, यहाँ से टपकता छत पे से ही है ना। तो आप देखिए ये बता रहे हैं कि छत से ही पानी टपक रहा था और पूरा जो ये अस्पताल है, ये नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। आप देखिए इधर ये जो पूरा वार्ड है, शिशु औषध विभाग का जनरल वार्ड है, इस वार्ड के यहाँ बाहर पूरी तरह से यहाँ पानी भर गया था। और भी कुछ यहाँ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या उस समय ये आप भी उस समय यहाँ मौजूद थे? हाँ, बोल चुकी ना। कितना पानी यहाँ भर गया? यहाँ पानी था, थोड़ा थोड़ा पानी था यहाँ पे, फिसलने पूरे में था पानी, तो और फिसलने में भी फिसल, बच्चे गिर भी रहे थे, जाने आने में दिक्कत हो रही थी इनको। लिफ्ट वगैरह भी बंद कर? हाँ, तीनों लिफ्ट बंद कर दी उधर की। कहाँ कहाँ पानी भर गया था यहाँ? पानी इधर भी भरा, वहाँ भी भरा, सामान्य उपयोगिता की तरफ, इधर भी भर गया था, यहाँ तक परेशानी आई। हाँ,
क्या क्या समस्याएं हैं इसके बाद? बाथरूम जाने के लिए भी परेशानी आ रही थी, यहाँ पे खाना खाने वालों को भी आ रही थी। कब साफ सफाई हुई या कब क्लीन हुआ अस्पताल? शाम को कर दिया था। छत से ही टपक रहा था पानी? हाँ, छत से ऊपर से लिफ्टों में भी पानी। हाँ, तो आप देखिए उसी वक्त से अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन है, वो पूरी तरह से बंद है। लिफ्टें उसी समय से लिफ्टें बंद कर दी थी। और कह रहे हैं कि जो वॉशरूम जाने के लिए भी मतलब यहाँ पानी भर गया था, पिसल के एक महिला गिर गई थी, उसको चोट आ गई पाँव में। तो आप देख सकते हैं कि जो एक सब MBS जो जेके लोन अस्पताल है, ये संभाग का सबसे बड़ा शिशु अस्पताल है। और शिशु अस्पताल में अगर नई बिल्डिंग बनकर तैयार भी हो गई, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएँ कैसी, आप देखें जब 30 करोड़ रुपये की लागत से ये बिल्डिंग बनी है और फिर भी पानी ऊपर से टपक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो निर्माण जो हुआ है उस पर सवाल उठता है, क्या निर्माण का जो मटेरियल इसमें यूज किया गया, वो किस तरह का मटेरियल यूज किया गया होगा, क्योंकि छत पे से पानी नहीं टपक सकता। और थर्ड फ्लोर का ये अस्पताल है, उससे नीचे जो मतलब फर्स्ट फ्लोर तक पानी पूरी तरह से अस्पताल में भर गया था। और ये जेके लोन अस्पताल की देखिए पूरा ये बोर्ड है, पूरा बोर्ड पूरी तरह से वो शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, पर मटेरियल इसमें कैसा यूज किया गया आप समझ सकते हैं कि छत से जब झरने की तरह पानी बह रहा है। और UIT के अधिकारी है, उनको बुलाया है कि वो आए चेक करें कि क्या जो निर्माण में कमी रही कि उसके चलते। तो देखिए सरकारी जो निर्माण होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पर जब इतना पैसा लगकर तैयार हुआ और उसके बावजूद भी अगर लोगों को समस्या आए तो एक बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।